so hot, I ain't gotta fake. I can make the earth quake. Make it burn. It is so hot, I ain't gotta fake. I can make the earth quake. Make it burn. It is so hot, I ain't got. तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला कि आप बिना 1000 सब्सक्राइबर के आप YouTube पे लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ऐसे सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर आपको ऐप्स पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रोम सर्च करना है। जैसे कि मैं अभी इधर क्रोम सर्च कर लेता हूँ, ये क्रोम आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जाना है और इस परमिशंस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ परमिशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको इसमें जितनी भी आपकी परमिशन देना हो रखी है आपको उन सबको अलाउ करना है। ठीक है, तो अलाउ करने के बाद आपको यहाँ से बैक लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपनी सेटिंग्स को हटाना है और डायरेक्ट अब आपको क्रोम पे जाना है। जैसे कि मैं इधर क्रोम खोल लेता हूँ। तो ये मेरा क्रोम खुल गया है। अभी मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टूडियो यूट्यूब कॉम। आप बीच में डॉट लगा सकते हो आपकी मर्जी पर, मैंने ऐसे लिखा है। वाइट स्टूडियो लिखना वो भी तब भी आ जाएगा। ये इधर इसको दबा के रखना है आपको और फिर ओपन इन न्यू टैब। फिर इसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जिस पे गोले घूम रहे, आपको इस पे क्लिक करना है। सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो मेरा धीरे हो रहा है, काफी धीरे हो रहा है। पर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो आपका फास्ट हो जाएगा। मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ, फिर जैसे ही मेरा स्टूडियो खुलेगा मैं वो पार्ट दिखाऊंगा। तो ये मेरा स्टूडियो खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट ऑनर वाली सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस हो रही। जब तक इस पर 100 व्यूज़ नहीं आएंगे इसका पार्ट टू मैं नहीं बनाऊंगा। जैसे 100 व्यू आएंगे मैं पार्ट टू बना के अपलोड कर दूंगा। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी अभी सिर्फ 18 सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्रिएट पर जाके गो लाइव पर क्लिक करना है। ये आपका इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। आपको इधर क्या करना है, ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा आपकी स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे इन रियल लाइफ वाली स्ट्रीम करनी, मतलब अगर ब्लॉग व्लॉग बनाने ऐसी स्ट्रीम करनी है, तो ये बस आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। इस वाले ऑप्शन में बीच वाले में कस्टमाइज करने को बोलेगा आपकी स्ट्रीम को। और विजिबिलिटी में ये आपकी स्ट्रीम की विजिबिलिटी का ऐसे कुछ पूछेगा अगर आपको व्लॉग्स बनाने पर। लेकिन हम ये वीडियो व्लॉग्स के लिए नहीं बना रहे, हम क्या कहते हैं स्क्रीन के अंदर स्ट्रीम कैसे करनी है हमारे मोबाइल या टैबलेट स्क्रीन के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीन ऐप्स है जिनसे हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। एक है टर्निप, एक है ऑमलेट आर्केड और एक है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। इन तीनों से आप स्ट्रीम कर सकते हैं। अभी हमने क्रोम में सारा अपना काम कर लिया, तो अभी आपकी स्ट्रीम इनेबल हो चुकी है। जैसे हम सबसे पहले टर्निप पे जाते हैं, ये टूर्निप टर्निप जो भी है इस पे जाते हैं, फिर हमको ये सेटअप स्ट्रीम पे क्लिक करना है। जल्दी जल्दी, नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा स्लो है। ठीक है, ये अभी सही हो गया। अभी आप अपना कुछ भी कर लीजिए, सोलो स्क्वाड एक्साइटेड हैप्पी सेट जो भी है आपका। तो मैंने एक्साइटेड और सोलो कर दिया है और ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या लग दिया, थोड़ा बैक लेता। फिर यहाँ से मोर गेम्स पे आपको क्लिक करना है और फिर स्टील एंड फ्लैश में जैसे डाल देता आप कुछ और डाल देना आपको जो स्ट्रीम करना है उसका। फिर यहाँ से मैं यहाँ पे ऑटोमन वर्स का ही डाल देता हूँ। ठीक है, हम बस वीडियो बनाए तो अभी ऑटोमन वर्स डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ से मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, इंडिटेर लिखा रहा है मेरे चैनल का नाम। ठीक है, आपसे यूट्यूब की परमिशन मांगेगा, आप उसको दे देना, फिर ही आपका नाम आएगा। तो जैसे कि अब बस आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रीम को स्टार्ट करना है, बस आपका काम इधर खत्म हो गया। और यहाँ साइड से आप कैमरा अपना ऑन कर सकते थे। ठीक है, तो अभी इसको हटाते हैं। अभी हम दूसरे को देखते हैं जिसका नाम है ऑमलेट आर्केड। तो मैं जल्दी से इसको लगा देता हूँ।
ये हमारा ऑमलेट टारगेट लग गया, ये क्या वो नहीं, अभी माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड ज्वाइन नहीं करना मुझे किसी का, लेवल 4 हो गया मेरा, गॉट इट, इसको हटा देता हूँ, थैंक्स फॉर यूजिंग ऑमलेट टारगेट, तो इसको मैं कट देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपको, उनको छोड़ के प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है प्लस के, और फिर यहाँ से आपको गो लाइव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको जो भी गेम सर्च का स्ट्रीम करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं अभी यूरोपियन वॉर 6 नेपोलियन कर देता हूँ, ये रहा ऊपर आ गया, ओ यहाँ ये यूरोपियन वॉर 6 नेपोलियन, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। फ्लोटिंग विंडो इनेबल हो रखी है, बाद में डिसेबल कर दूंगा, आप कर देना, ठीक है। यहाँ से आपके चैनल की परमिशन मांगेगा, आप अलाउ करके यहाँ से अपना चैनल इनेबल कर देना, मेरी परमिशन दे रखी है तो मेरा इनेबल हो गया। अब यहाँ से आपकी स्ट्रीम शुरू हो जाएगी, ठीक है। मुझे स्ट्रीम नहीं करनी तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आपके तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे स्ट्रीम के लिए, मैंने जल्दी से हटा दिया इसलिए मेरा एक भी नहीं आया, पर आपके बहुत सारे आएंगे तो ठीक है। आपसे मैं स्ट्रीम कर, ये देखो मैं वापस लगा दिया, चलो अभी इसको उड़ा देते, चलो। अभी AZ स्क्रीन रिकॉर्डर नाम का ये ऐप है, इसमें भी आप स्ट्रीम कर सकते हो। पहले मैं एक इसका वो परमिशन मांगने वाला अलाउ कर देता हूँ, आपको बहुत सारा मांगेगा तो आप वो अलाउ कर देना, मैं भी इसको ये अलाउ करता हूँ, ठीक है। फिर आपको वापस से AZ स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको अपने हिसाब से रेजोल्यूशन, बिटरेट, फ्रेम रेट, ओरिएंटेशन ये सब आप कर लीजिए। रिकॉर्ड ऑडियो आपको इनेबल रखना है, और ऑडियो सोर्स में आपको इंटरनल ऑडियो रखना है। अगर आपको इंटरनल ऑडियो नहीं, सिर्फ माइक्रोफोन चाहिए तो आप माइक्रोफोन भी रख सकते हैं, नहीं तो आपसे इंटरनल ऑडियो रखना है अगर आपको कॉमेंट्री के बिना लाइव स्ट्रीम करनी है। बाकी के पीछे के दो ऐप्स में आपको दोनों साथ में इनेबल कर सकते हो, पीछे के दो ऐप्स में, तो उनमें आप बोल भी सकते हो और इंटरनल ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी तो मैं यहाँ इंटरनल ऑडियो सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं बैक करता हूँ। एक मिनट मैं आया वापस, एक मिनट वापस आ रहा हूँ। सॉरी गाइस, मुझे कुछ काम से जाना पड़ा था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ इंटरनल ऑडियो सिलेक्ट है, फिर हाइड दी रिकॉर्ड विंडो को ऑन करना है, ठीक है। अगर आपको साइड में रिकॉर्ड विंडो चाहिए वो आपकी मर्जी, नहीं तो आप उसको हाइड कर दो। तो यह स्क्रीनशॉट कैमरा ब्रश या आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। काउंट डाउन आप अपने हिसाब से देख लो। फिर यह नीचे का ऑप्शन है शो टचेस वाला, ठीक है। टेक्स्ट एंड लोगो है, इधर से आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो। शो टचेस में कुछ नहीं है, वो बस आपके टचेस को शो करेगा जहाँ जहाँ आप टच करोगे अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको स्ट्रीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूट्यूब पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम का कुछ भी नाम डाल दीजिए जो आपको डालना है, जैसे मैं इधर डाल देता हूँ हाउ टू स्ट्रीम, ये मैं डाल देता हूँ नाम, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट लाइव स्ट्रीम मेरे को अभी नहीं करनी है तो फिर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो स्टार्ट नाउ कर देना, ओके। तो सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज था। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। खत्म।